वेलकम टू AMS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन क्लासेज। यहाँ हम वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं। पिछले तीन लेक्चरों में हम इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज लेआउट मेन्यू, जो हमारा लेक्चर 4 है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखिए आप लोग पेज लेआउट मेन्यू, इसका शॉर्टकट कमांड लिख लीजिए ऑल्ट प्लस पी। हो गया, देखिए ये होता हमारा पेज लेआउट मेन्यू। अब पेज लेआउट मेन्यू पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको निम्नलिखित ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो देखिए पेज लेआउट मेन्यू में पहला ऑप्शन आता हमारा थीम्स का, दूसरा आता है पेज सेटअप का, तीसरा आता है पेज बैकग्राउंड, चौथा आता है पैराग्राफ, पांचवा आता है अरेंज। अब इन्हीं सभी को हमको क्रमवाइज पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थीम्स के बारे में। देखिए थीम्स का डायग्राम है, आप अपने नोटबुक पे बना सकते हैं। थीम्स ऑप्शन के अंतर्गत ये सारी चीज़ आती हैं। थीम्स आता है, कलर आता है, फॉन्ट आता है, इफेक्ट आता है। लिखिए पहला थीम, इसकी सहायता से पेज पर तरह तरह के थीम, रंग, लिखावट तथा अन्य प्रभावों को जोड़ सकते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित ऑप्शन आते हैं। पहला हमारा थीम्स, पहले हेडिंग लिखेंगे आप लोग थीम्स। अब देखिए थीम्स क्या होती है, देखिए हम थीम्स यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाते हैं। देखिए थीम्स में क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर कलर्स होते हैं, फॉन्ट्स होते हैं, इनकी एक प्री डिफाइन बोले तो पहले से डिफाइन टेम्पलेट और एक डिजाइन होती है, जिसको डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट पे लगा सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है इसमें कलर का, इसकी सहायता से पेज थीम पर विभिन्न प्रकार के रंगों को ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ऐड है, यहाँ पे अब देखिए विभिन्न प्रकार के यहाँ पे रंग स्टाइल है, जैसे ऑफिस है, ग्रे स्टाइल है, एपेक्स है, एस्पेक्ट है, सिविस है, ठीक ना। तो ये जिसको आप सेलेक्ट करेंगे वही हमारी जो यहाँ पे थीम है इन सब पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आता है फॉन्ट, अपने थीम में विभिन्न प्रकार के फॉन्ट स्टाइल को यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम लागू कर सकते हैं। अगला आता है इफेक्ट, इसकी सहायता से हम जो भी तत्काल थीम है उस पर विभिन्न प्रकार के इफेक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए विभिन्न प्रकार के कुछ इफेक्ट दिए हुए हैं। ये क्लियर हुआ हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा पेज सेटअप, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है पेज सेटअप। अब जैसे देखिए हम क्या करते हैं, किसी पेज का जनरली प्रिंटआउट निकालते हैं तो हमारा पेज क्या होता है, A4 पेज होता है, ठीक ना। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के पेज दिए रहते हैं, तो देखिए इसको फटाफट आप बना लीजिए अपने नोटबुक पे। बनाने के बाद इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पेज सेटअप में क्या, पेज से ही संबंधित डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन आते हैं। इसमें देखिए पहला आता है हमारा मार्जिन, क्लियर। तो मार्जिन क्या होता है, पेज की चारों तरफ जो छूटी हुई एरिया होती है जिसपे कोई टेक्स्ट लिखा नहीं जाता है, वो हमारी पेज मार्जिन होती है। जैसे देखिए इधर ये एरिया छूटी हुई है, उसी तरह नीचे कुछ एरिया छूटी हुई होती है, उसी तरह ये देखिए आपके राइट साइड में कुछ यहाँ से एरिया छूटी हुई है, तो ये सब हमारे क्या है, पेज मार्जिन है। देखिए पेज मार्जिन ने आप ये कुछ बना लीजिए इतने को। अब देखिए पहला आता है कस्टम सेटिंग, तो कस्टम सेटिंग में हमने जो अपने से सेटिंग कर दिया हुआ है उसके बाद प्री डिफाइन कुछ सेटिंग होती है। जैसे नॉर्मल, तो नॉर्मल में टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम में कितना एक एक इंच जगह छूटा होता है। अगर हम बात करें नैरो की, तो नैरो में आपकी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में क्या होता है, 0.5 इंच की जगह चारों तरफ से छूटी होती है। बात करेंगे जब हम मॉडरेट की, तो मॉडरेट में टॉप में और बॉटम में एक एक इंच और लेफ्ट और राइट में 0.75 इंच स्पेस हमारा छोटा होता है। अगर हम बात करें वाइट की, तो वाइट में टॉप और बॉटम में एक एक इंच, लेफ्ट राइट में 2-2 इंच। मिरर्ड में बात करें तो टॉप बॉटम में एक एक इंच, इनसाइड में 1.25 और आउटसाइड में 1 इंच। उसी तरह आप 2003 की बात करें तो टॉप बॉटम में 1 इंच, लेफ्ट में 1.25, राइट में 1.25। देखिए ये वाला ऑफिस 2003 डिफॉल्ट एक दो बार CCC में पूछा है कि ऑफिस 2003 में लेफ्ट
सॉरी टॉप में और लेफ्ट में, या तो बॉटम में या राइट में, कितने जगह छोटी होती है। तो टॉप और बॉटम में 1 इंच और लेफ्ट और राइट में 1.25, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा ओरिएंटेशन ऑप्शन। ओरिएंटेशन क्या होता है, पेज का घुमाव होता है, ठीक ना। अब जैसे देखिए इसमें दो ऑप्शन है, एक पोर्ट्रेट है, एक क्या है लैंडस्केप है। तो देखिए इसकी सहायता से पेज घुमाव को सेट किया जाता है। अब देखिए जो पोर्ट्रेट होता है, तो पोर्ट्रेट में हमारी पेज की लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ये हमारा पेज है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखिए इसमें क्या है, चौड़ाई अधिक है लंबाई अधिक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लैंडस्केप हो जाएगा, ठीक ना। अगर इसी को हम क्या कर दें, ऐसे कर दें, तो देखिए इसमें क्या हो गया हमारा, इसमें क्या हो गया, चौड़ाई कम हो गई लंबाई अधिक हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोर्ट्रेट बोलेंगे, ठीक ना। देखिए पोर्ट्रेट का अर्थ क्या होता है, इसमें चौड़ाई कम लंबाई अधिक होती है, और लैंडस्केप इसी का उल्टा होता है, इसमें क्या होती है लंबाई कम और चौड़ाई अधिक होती है, क्लियर है इतना। पोर्ट्रेट के बाद आता है हमारा साइज। अब देखिए साइज में क्या होता है, पेज की कई प्रकार की साइज दी रही रहती है, जैसे जनरली हम लोग A4 यूज करते हैं, ठीक ना। A4 के अलावा देखिए अब हाँ कभी कभी क्या पूछता है कि जैसे देखो पूछ सकता है कि A4 पेज की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो देखिए ये हमारी क्या है, चौड़ाई है, और ये क्या हमारी लंबाई है। तो हमारी इसमें चौड़ाई क्या हो जाएगी, 8.27 इंच, और लंबाई की हाँ लंबाई कितनी हो जाएगी, 11.69 इंच, ओके। उसी तरह ये कुछ और पेज है, A3 है, A5 है, तो इनकी आप ये बन आप देखिए एक लेटर है, तो ये सब आप क्या करेंगे, आप अपने कॉपी पे बना लेंगे, और इनकी डायमेंशन भी आप पर्टिकुलर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। जैसे पूछ दिया कि लेटर पेज की साइज़ कितनी होती है, तो लेटर पेज की साइज़ कितनी होती है हमारी, 8.5 इंच, ये हमारी क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी, सॉरी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक ना। और 11 इंच क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी पेज की, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कॉलम। कॉलम को जैसे कॉलम का मतलब क्या, खड़ी लाइन है, यानी पेज को हम कई खड़ी लाइनों में बांट सकते हैं, ठीक ना। तो जैसे दो लाइन में, 3 लाइन में, या लेफ्ट से 1 लाइन में, राइट से 1 लाइन में हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। इसके अलावा मोर कॉलम का भी ऑप्शन आता है। इसका अधिकतर जैसे आप पेपर देखो, पेपर में क्या होता है, छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं जगह जगह, तो वो क्या कॉलम वाइज बनाए जाते हैं। तो उसी तरह पेज में कई कॉलम में आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पेज को आप उतने कॉलम में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है ब्रेक। तो पेज ब्रेक का शॉर्टकट आप लोग लिख लीजिए कंट्रोल एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर से क्या करते हैं, हम पेज ब्रेक करते हैं, ओके। पेज ब्रेक करने से जैसे यहाँ से हम मान लीजिए पेज ब्रेक करेंगे, तो यहाँ से जो भी कंटेंट है ये नीचे वाला ये सब क्या हो जाएगा, अगले पेज पे चला जाएगा, यानी जहाँ पर भी हमारा ये इंसर्शन पॉइंट, देखिए हमारा इंसर्शन पॉइंट जहाँ पर भी रहेगा, वहाँ पर अगर जो हम पेज ब्रेक करेंगे तो वहाँ से वो चीज़ें क्या होती हैं, अगले पेज पर चली जाती हैं। उसके बाद आता है लाइन नंबर। अब लाइन नंबर में देखिए क्या है, कंटिन्यूस लाइन रीसेट टू ईच पेज। अब क्या है, इसमें जितनी भी लाइनें आप लिखे हो, अब लाइन नंबर जब आप स्टार्ट कर दोगे तो सभी पे देखो, जैसे मैं स्टार्ट करके आपको बता देता हूँ कंटिन्यूस लाइन, तो अब देखो ये मार्जिन एरिया पे। हाँ देखो एक और क्वेश्चन आता है कि जब आप लाइन नंबर देते हो तो वो कहाँ लिख के आता है, लाइन नंबर हमेशा आप याद रखना कहाँ पे आएगा, मार्जिन एरिया में आएगा। अब इसमें आप जितनी भी लाइंस लिखे हो सबको ये काउंट कर देगा, क्लियर है। तो लाइन नंबर क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी लाइंस लिखी हुई हैं सबको नंबरिंग कर देता है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम, चलिए आप लाइन नंबर के बारे में लिख लीजिए। इसकी सहायता से हम पेज की सभी लाइनों को उनसे पहले नंबर दे सकते हैं, जिससे हमें पेज लाइनों को गिनने में आसानी होती है। नोट करके ये भी लिख लेंगे कि लाइन नंबर हमेशा का किस एरिया में प्रदर्शित होता है, मार्जिन एरिया में, किस में होता है, मार्जिन एरिया में। नेक्स्ट आता हमारा हाइफनेशन। क्या आता हमारा हाइफनेशन, लिखिए
इसका प्रयोग अक्षरों के बीच एक निश्चित जगह देने के लिए किया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग बुक्स तथा मैगजीन बनाते समय उनके अक्षरों को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। देखिए जैसे कहीं स्पेस, देखिए यहाँ पे जैसे स्पेस क्या है हमारा, अधिक है कहीं कम है, तो जब हम हाइफनेशन स्टार्ट कर देंगे तो सभी को क्या कर देगा, एक पर्टिकुलर स्पेस उनके बीच में दे के और उनको क्या कर देगा, मैनेज कर देगा। तो ये हमारा था पेज सेटअप। पेज सेटअप के बाद हमारा आता है पेज बैकग्राउंड। तीसरी हेडिंग लिखेंगे आप पेज बैकग्राउंड। अब पेज बैकग्राउंड में ये तीन चीज बना लीजिए, पहला आता है वाटर मार्क, दूसरा पेज कलर और तीसरा आता है हमारा पेज बॉर्डर। लिखिए इसके प्रयोग से पेज के बैकग्राउंड पर हम कोई टेक्स्ट, पेज का कलर, पेज बॉर्डर जोड़ सकते हैं। इसमें निम्नलिखित ऑप्शन आते हैं, पहला आता है हमारा वाटर मार्क। वाटर मार्क क्या होता है, पेज के सतह पर हम क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी टेक्स्ट जिसको घोस्टेड वर्ड के नाम से जाना जाता है, कोई अपना इमेज जैसे ये सब ऐड कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आप कस्टम में कस्टम करके आप अपना कोई थीम भी इमेज भी लगा सकते हो। उसी तरह अब देखो ये सब वर्ड क्या आते हैं, आपके पेज के बैकग्राउंड पे आते हैं, ना कि ये आपके डॉक्यूमेंट के हिस्सा होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, घोस्टेड वर्ड बोला जाता है। नोट करके लिख लीजिए, वाटर मार्क में जो भी शब्द होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, घोस्टेड वर्ड के नाम से जाना जाता है। लिखिए यार ये टेक्स्ट हमारे डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं होते, ये केवल ये दर्शाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट किस तरह का है, या फिर कोई और बात, जैसे कि हम इस पर लिख दिए कि पर्सनल, तो ये बताएगा कि ये पर्सनल है। जैसे देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का है ना, जैसे कॉन्फिडेंशियल लिख दिए तो बताएगा कॉन्फिडेंशियल है, डू नॉट कॉपी लिख दिए जिसमें बताएगा कि इसको कॉपी नहीं करना है, ड्राफ्ट है। जैसे मानो सैंपल हम कर दें तो वहाँ पर कोई बताएगा कि ये क्या हमारा सैंपल कॉपी है। अगला आता हमारा पेज कलर। अब इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, पेज के बैकग्राउंड में किसी कलर को ले सकते हैं। जैसे ये देखिए ये है, अब यहाँ पर हम जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे, देखिए बैकग्राउंड हमारा वही कलर आ जाएगा, क्लियर। तो इससे क्या करते हैं, पेज के बैकग्राउंड में हम क्या कर देते हैं, कलर देते हैं, क्लियर। अगला था हमारा पेज बॉर्डर। अब पेज के चारों तरफ बॉर्डर लाइन देने के लिए हम क्या करते हैं, पेज बॉर्डर का यूज करते हैं। जैसे देखिए ये हमारा, इसमें डिफरेंट टाइप्स के पेज बॉर्डर्स हैं, देखिए। अब इसमें ये इसकी पेज बॉर्डर की स्टाइल है, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, ये डिफरेंट टाइप्स की स्टाइल है। जिसको भी सिलेक्ट करेंगे इसका बॉर्डर लाइन का आप कलर भी ले सकते हैं, बॉर्डर लाइन का कलर लेने के बाद बॉर्डर लाइन की विड्थ ले सकते हैं और इसको आप अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ये आपके डॉक्यूमेंट पे क्या हो जाएगा, देखिए अभी हमने इसको सिलेक्ट किया था पेज कलर को, अब देखिए इसके किनारे किनारे क्या कर दिया है, बॉर्डर ला दिया। तो पेज पे या किसी सिलेक्टेड पैराग्राफ या लाइन बॉर्डर लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पेज बॉर्डर का यूज करते हैं, क्लियर। अब अगला आता हमारा पैराग्राफ। नेक्स्ट क्या है, पैराग्राफ। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप लोग पैराग्राफ। अब देखिए पैराग्राफ में दो ऑप्शन आते हैं, एक इंडेंट का ऑप्शन आता है और एक क्या आता है, स्पेसिंग ऑप्शन आता है। लिखिए इसकी सहायता से किसी पैराग्राफ की मार्जिन तथा लाइनों से पहले या बाद में जगह को सेट किया जाता है। इसमें निम्नलिखित ऑप्शन आते हैं और ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए। पहला आता है हमारा इंडेंट। लिखिए इसकी सहायता से पैराग्राफ को दाएं या बाएं शिफ्ट किया जाता है, या तो आप दाएं बाएं यूज, या तो अब यहाँ पे देखिए ये अगर जो हमने बुलेट से नंबरिंग लगाया है तो इनके बीच के भी स्पेसिंग हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगला आता हमारा स्पेसिंग। इसकी सहायता से पैराग्राफ से पहले या पैराग्राफ के बाद में हम स्पेस जोड़ सकते हैं या तो उस स्पेस को घटा सकते हैं, क्लियर। और जब आप क्लास में आओगे और यहाँ पे प्रैक्टिकल करोगे तो वहाँ पे इंडेंटिंग और स्पेसिंग पर्टिकुलर आपको प्रैक्टिकल करके बताया जाएगा, तब ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता हमारा अरेंज। नेक्स्ट हेडिंग क्या हमारी, देखिए ये अरेंज ऑप्शन। लिखिए इसकी सहायता से पेज पर इंसर्ट किए गए टेक्स्ट, बॉक्स
कॉमा इमेज इत्यादि को व्यवस्थित किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित ऑप्शन आते हैं। पहला क्या आता हमारा, देखिए पोजीशन, दूसरा ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, टेक्स्ट रैपिंग, अलाइनमेंट, ग्रुप एंड रोटेट, इसको हम क्रमवाइज पढ़ेंगे। पहला हमारा आता है पोजीशन। जैसे देखिए हमारा, हमने डॉक्यूमेंट इसमें लिया है, अब ये डॉक्यूमेंट हमारा पेज के किस पोजीशन पे रहेगा। जैसे देखिए इसको हम ऑन करते हैं तो देखिए ये पेज का पोजीशन दिया हुआ है। ये देखिए ये क्या हमारा पेज का लेफ्ट कॉर्नर है, टॉप लेफ्ट है। ये क्या है हमारा, ये हमारा सेंटर है, टॉप सेंटर है। और ये क्या है, टॉप राइट है। उसी तरह ये मिडिल है, इसको ये मिडिल लेफ्ट है, ये क्या हमारा मिडिल सेंटर है, और ये है हमारा मिडिल राइट। उसी तरह ये है, ये बॉटम में आ जाएगा, तो ये बॉटम लेफ्ट और ये बॉटम सेंटर, और ये क्या आ जाएगा हमारा बॉटम राइट। तो आप इसको जिस आप इमेज को सिलेक्ट करते, इस इमेज को हम जैसे ये सिलेक्ट किए और इस पर जिस भी पोजीशन पे अप्लाई कर देंगे, देखिए हमारा इमेज उस पोजीशन पे चला जाएगा। देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये देखिए, ठीक ना। उसके बाद आता है ब्रिंग टू फ्रंट। अब ब्रिंग टू फ्रंट, देखिए फ्रंट मतलब क्या आता है, सामने। जैसे हमारे पास दो इमेज या तीन इमेज है, एक के पास एक या ऊपर नीचे, ठीक ना। तो किसी भी में जो हमारा इमेज पीछे है उसको आगे लाने के लिए ब्रिंग टू फ्रंट का यूज करेंगे, और हमारी इमेज आगे है उसको पीछे ले जाने के लिए ब्रिंग सेंड टू क्या करेंगे, बैक का ऑप्शन यूज करेंगे। जैसे हम दिखा देते हैं आपको, जैसे देखिए एक ये हमारा इमेज है, ठीक ना। इसको हमने कॉपी कर लिया, सॉरी कॉपी नहीं करते हैं हम, इसको डायरेक्टली यहाँ पे लाते हैं। तो अभी देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा इसके ऊपर है, सॉरी नीचे है, ठीक ना। अब इसको हम ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, ब्रिंग टू फ्रंट। तो देखिए ये ऊपर चला गया और ये नीचे वाला क्या हो गया, ये नीचे चला गया। अब जैसे मान लीजिए इसको हमको क्या करना है, एक्चुअली लाइन ये वाला ऑप्शन है, इसको हमको फ्रंट करना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। तो अब ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। अब उसी तरह यहीं सेंड टू बैक, देखिए इसको हमको कुछ पीछे भेजना है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, सेंड टू बैक कर देंगे, तो ये पीछे चला जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। क्लियर है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। ब्रिंग टू फ्रंट की सहायता से क्या करेंगे, हम इंसर्ट किए गए टेक्स्ट बॉक्स, इमेज इत्यादि को किसी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर ला सकते हैं, और सेम इसी का अपोजिट हो जाएगा सेंड टू बैक। इसके साथ हम क्या, इमेज या टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट के पीछे ले जा सकते हैं। क्लियर है, तो हमारा पोजीशन हो गया, ब्रिंग टू फ्रंट हो गया, बैक हो गया। अब आते हैं टेक्स्ट रैपिंग पे। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप टेक्स्ट रैपिंग, लिखिए इसकी सहायता से पेज पर इंसर्ट किए गए सभी टेक्स्ट बॉक्स या ऑब्जेक्ट के साथ टेक्स्ट को लिखने के लिए किया जाता है। जैसे ये देखिए अब यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जितने दूर में इमेज है उससे पहले ये टेक्स्ट लिख रहा है। उसे देखिए टेक्स्ट में कई सारे ऑप्शन हैं, टेक्स्ट रैपिंग जगह आप स्टार्ट करते हैं तो टेक्स्ट रैपिंग में देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। अब जैसे हमने स्क्वायर सेलेक्ट किया, अब जब आप स्क्वायर सेलेक्ट किया है तो इसके किनारे किनारे कोई भी टेक्स्ट लिखेगा, सॉरी। और इसी तरह अगर जो हम, अब देखिए इसमें कई सारे ऑप्शन है, बिहाइंड कर देंगे, अब जैसे हम बिहाइंड कर दें तो इसके पीछे भी टेक्स्ट लिखेगा, ठीक ना। उसी तरह हम क्या कर दिए, अगर जो हम टाइट कर दिए तो क्या करेगा, इसके किनारे किनारे हमारा ये टेक्स्ट लिख सकता है। उसी तरह इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिए तो टेक्स्ट इसके पीछे चला जाएगा और ये इमेज हमारा आगे रहेगा। क्लियर है, तो ये सब हमारे टेक्स्ट रैपिंग है। इसको जब आप प्रैक्टिकली आएंगे तो इसको कराया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। उस तरह अगला आता हमारा अलाइन। अलाइन मैंने आपको होम मेन्यू में भी बताया था, अब यहाँ से थोड़ा सा अलग है। अलाइन मतलब सीधे हम जानते हैं कि एक लाइन में करना, ठीक ना। जैसे हमारा ये देखिए दो इमेज हैं, एक यहाँ से है और ये, तो दोनों एक लाइन में नहीं है। अब कंट्रोल सहायता से हम दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, दो इमेज जैसे हमारे डॉक्यूमेंट में है, दोनों को सिलेक्ट करना, तो हम किसके यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ जिन जिन इमेज को दबाएंगे वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको हमको अलाइन करना है, तो देखिए दिया किधर अलाइन करना है आपको, अलाइन लेफ्ट में करना है, सेंटर में करना है, राइट में करना है। तो हम जैसे लेफ्ट से अलाइन करते हैं, तो देखो लेफ्ट में क्या कर दिया, दोनों इमेज को एक सीध में कर दिया, ठीक ना। उसी तरह अगर हम राइट अलाइनमेंट करेंगे
तो राइट में दोनों को क्या कर देगा, देखो एक सीध में कर दिया, सेंटर अलाइनमेंट करेंगे तो बीचों बीच दोनों को एक बराबर कर देगा। तो ये हमारा क्या होता है, अलाइनमेंट ऑप्शन होते हैं। तो प्रैक्टिकल यहाँ पे आएंगे आप, हम आपको टास्क देंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। इन सब का प्रैक्टिकल बना के रखा गया है, जैसे आप क्लास में प्रैक्टिकल करते हैं, आपको मैडम लोग क्या करती हैं, एक वो टास्क दे देती है, उसको कंप्लीट करना होता है, तो इसका भी हमारे पास टास्क है। आप आएंगे, अब जब उसको बना के देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये कहाँ से हो रहा है। उसी तरह आता है ग्रुप। अब जैसे देखिए हमारे दो ऑप्शन है, अभी देखिए दो इमेज है, अब इसी इमेज ठीक ना, ये हमारे दो इमेज है। अब इसको हम सिलेक्ट करके इसको मूव कराएं तो यही इमेज मूव हो रही है, इसको सिलेक्ट करके ये इमेज मूव कराएं तो ये इमेज मूव हो रही है। हम चाहते हैं कि दोनों इमेज एक साथ हो जाए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, ये सिलेक्ट है, कंट्रोल के साथ हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन है, अब जब दोनों को सिलेक्ट करके या तो आप इमेज लिए हैं या तो क्या लिए हैं, टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, दोनों को जब सिलेक्ट करके और ग्रुप में कर देंगे तो ग्रुप का मतलब क्या हो जाएगा, एक ग्रुप यानी जुड़ जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, एक साथ मूव करेगा। तब उस समय क्या करेगा, दोनों ये हमारा एक साथ देखिए मूव करेगा ठीक ना। उसके बाद आता है हमारा रोटेट, नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है हमारा रोटेट का, जैसे देखिए ये हमारे पास इमेज है ठीक ना, अब इसको हम अगर देखिए यहाँ पर रोटेट के डिफरेंट ऑप्शन है, रोटेट देखिए लेफ्ट तो लेफ्ट में 90 डिग्री रोटेट कर देगा, उसी तरह राइट है तो राइट में कर देगा, फ्लिप वर्टिकल है तो इसी को वर्टिकली फ्लिप कर देगा, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर देगा। उसके अलावा यहाँ पे मोर ऑप्शन आते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। ओके तो ये सब हमारा था, इसको नोट कर लीजिए अरेंज में, सेंड टू बैक तो हो ही गया था, नेक्स्ट हम इसको लिख लेते हैं, अभी तो मैंने समझाया था, टेक्स्ट रैपिंग हो ही गया था, अलाइनमेंट लिख लीजिए, इसका प्रयोग पेज पर इंसर्ट किए गए सभी बॉक्स या ऑब्जेक्ट अलाइन करने के लिए तथा गाइडलाइनों को सेट करने के लिए किया जाता है, इसमें निम्नलिखित ऑप्शन आते हैं। नोट कर लीजिए सब, पहला है अलाइन लेफ्ट, फिर अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, अलाइन टॉप, अलाइन मिडिल, अलाइन बॉटम, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, अलाइन टू पेज, अलाइन टू मार्जिन, अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, व्यू ग्रिड लाइंस एंड ग्रिड सेटिंग। उसके बाद आता हमारा ग्रुप, ग्रुप में लिख लीजिए, इसका प्रयोग इंसर्ट किए गए सभी ऑब्जेक्ट सॉरी टेक्स्ट बॉक्स या ऑब्जेक्ट को एक साथ जोड़ने तथा एक साथ जुड़े हुए ऑब्जेक्ट को अलग अलग करने के लिए भी किया जाता है। अब जैसे एक साथ करना ग्रुप कहलाता है और अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनग्रुप कहेंगे हम उसी को। नेक्स्ट आता है रोटेट, लिख लीजिए, इसका प्रयोग पेज पर इंसर्ट किए गए सभी टेक्स्ट बॉक्स या ऑब्जेक्ट को विभिन्न एंगल पर घुमाने के लिए किया जाता है। तो देखिए ये था हमारा पेज लेआउट मेन्यू। अब नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे रेफरेंस मेन्यू, और इसमें कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ओके थैंक यू।